इसलिए कह दिया कि नित्य लीला स्थली टेर कदम। हम लोग ठाकुर जी को देखे चाहे ना देखे, ठाकुर जी अभी भी आप लोग के हम लोग के अभी भी देख रहे हैं। तो सुबह जब कृष्ण भगवान नौला गाय लेके यहीं आ गए, देखा है अभी ग्वाल बाल पूरा मंडली आई नहीं, खेल कैसे होगा, तो सबको बुलाते हैं, टेर लगाते हैं। तो आजकल बुलाने के लिए सबको पास मोबाइल हो गए ना, हमारा ठाकुर जी को भी मोबाइल है, ये हमारा कन्हैया का मोबाइल बांसुरी, वो मार दे पूरा ब्रजमंडल के हजार हजार ग्वाल बाल है, सबको अपना अपना नाम दिल में जाकर बोलते है, दाम सीदाम बसुदाम कहाँ हो जल्दी आ जाए खेलेंगे, सब भाग भागी आ जाते। आने के समय सबको मम्मी ऐसे सापी में कपड़ा में खान पीन भोजन पानी पोटली बांध के दे देते। उसी समय हॉट पॉट टिफिन बॉक्स कुछ नहीं था, कंधे पे ले आवे और इसी झाड़ में सब ऐसे बांध के टांग के रख देते। उसी समय के पेड़ है कृष्ण भगवान को सेवा के लिए यहाँ का पेड़ ऐसे सब झुके हुए, क्योंकि राधा कृष्ण कुंज बिहारी, ये कुंज है, नित्य गोलोक धाम से आए हैं। इसी वृक्ष के नाम पीलू कहते हैं, कल्प वृक्ष भी कहते हैं। जब दोपहर हो गए, सबको भूख लग गई, भोजन पानी यहीं रखा हुआ है, सब यहीं एक साथ आके मिल के सब भोजन पानी करते हैं, लेकिन कन्हैया को चाहे मक्खन, इसलिए हमारा कन्हैया को सबसे प्यारा नाम माखन चोर। जंगल में माखन कहाँ मिलेंगे, तो दोपहर के समय गोपियों के लिए बांसुरी बजा दे, ललिता विशाखा समा सखी कहाँ हो जल्दी आ जा, मेरा भूख लग गई, मेरा माखन चाहिए। गोपियाँ भाग भागी माखन पकवान बना करके ले आते हैं, कृष्ण भगवान को सामने माखन के मठ के राग दे, और गोपियाँ बोले ओहो गोपाल गेल भन भूली, सुनी ना टेर तुम्हारी, जब तुम टेरे तब हम आई मधुर वोलन परवारी, हम कुल के बधु जंगल के रास्ता हमारा पता नहीं है, तुम कहाँ हो, आज तुम टेर लगा दियो, इसलिए हम लोग सब यहीं आ गए, इसलिए हमारा कन्हैया को नाम टेर बिहारी, जिस दिन जिसको टेर लगावे वो यहाँ पावे, बिना बुलाने से कोई नहीं आते। तो आज कृष्ण भगवान के बांसुरी का आवाज आप सब लोग को दिल में जाकर टेर लगा दियो, इसलिए आप लोग भी सब यहीं आ गए। शाम के समय कृष्ण भगवान कदम पेड़ के ऊपर चढ़ के गाय को बुलाते, नौ लाख गाय यहीं आ जाते, एक साथ सब घर चले जाते। भीतर जो बाबा बैठे हैं तोजबीर में ग्रंथ लिख रहा है, उनके नाम रूप गोस्वामी जी हैं, चैतन्य महाप्रभु जी के परम भक्त हैं, 500 साल पहले आए थे उन्होंने और इसी वृक्ष के नीचे भजन किए, और कलिकाल के हरे कृष्ण महामंत्र जाप किया करते रहते, हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। उनके एक बड़ा भाई है, उनके नाम सनातन गोस्वामी है, उन्होंने नंदगांव में भजन करते हैं। एक दिन सुबह मिलने के लिए आए थे, दोपहर हो गए, लेकिन भोजन पानी प्रसाद देने के लिए इनके पास कुछ नहीं था। हफ्ता में एक दिन नंदगांव से रोटी माधुकरी भिक्षा करके ले आते, थोड़ी थोड़ी खा के भजन करते। उन्होंने सोचा कि बड़ा भाई बहुत दिन बाद में आए थे, परम वैष्णव है, मेरा पास भिक्षा के सूखे रोटी पड़े है, कैसे खिलाओ, थोड़ी खीर होते तो रोटी के साथ खिला देते, चावल चीनी दूध कुछ भी नहीं था जब बना करके खिलाए, कहाँ मिले। भक्तों की इच्छा पूरी करने के लिए साक्षात राधा रानी आ गए, जिस घर से रोटी भिक्षा करके ले आते उसी घर के उसी प्रकार छोटी लाली बन के खीर बना करके दे के चले गए। उन्होंने भोग लगा करके उनको बड़ा भाई सनातन गोस्वामी को दियो, उन्होंने थोड़ी मुंह से लगाने के साथ साथ कृष्ण प्रेम उनको शरीर में आ गए, बोले भैया ये जो लाली आई थी ये तो गाँव के लाली नहीं है, बरसाने वाली है, राधा रानी है, ऐसे दिव्य स्वादिष्ट अमृतमय खीर आज तक हम कभी नहीं मिला। रूप गोस्वामी बोल रहे नहीं भैया मैं तो जानती हूँ उनको, घर से मैं रोटी भिक्षा करके ले आती हूँ। बोले चलो उनको घर पे पूछने के लिए, दोनों गांव में गए, बोले मैया तेरे लाली कहाँ है, जिनको तो शादी हो गए कुछ दिन पहले, वो तो ससुराल चले गए। दोनों बाबा रोने लगे, गोपी बोल रहे क्या मामला है बाबा, आप लोग क्यों रो रहे, जब हम लोग ब्रज में आए थे राधा रानी की सेवा करने के लिए, राधा रानी उल्टी आपकी लाली का बेस में आकर हम लोग को सेवा करके चले गए। गोपी समझा रहा है कोई बात नहीं बाबा, राधा रानी तो ब्रज का रानी है, सबको खिलाना पिलाना देखभाल सभी राधा रानी करती है, आप अपना स्थान में चले जाना भजन करना, राधा रानी जरूर फिर आएंगे, वो तो कृपामय दयामय है, फिर भी आप लोग को जरूर दर्शन देंगे, तब आप लोग दोनों उसी समय राधा रानी को खूब सेवा करना। तो इसी कारण से रोज आना ही खीर भोग लगते हैं, कोई भी भक्त आते वो लोग के राधा रानी के कृपा स्वरूप सबको खीर प्रसाद दिया जाते हैं। जय जय राधा रानी। आप लोग सभी खीर प्रसाद ले जाना, कीर्तन करना है आप लोग ना, प्रसाद प्रसाद कीर्तन करो थोड़ा सा आप लोग कर लो। अच्छा।